कैचम पैलेट शहर में रहता है। और अब जब मैं 10 साल का हो चुका हूँ, मुझे पोकेमोन का लाइसेंस मिल जाएगा। शहर के पोकेमोन एक्सपर्ट प्रोफेसर ओ 10 साल के बच्चों को अभ्यासी पोकेमोन मिलते हैं। मैं पोकेमोन ट्रेनिंग को पूरा करूँगा। और हाँ, मैं दुनिया के सारे पोकेमोन को बता दूँ, मैं एक दिन पोकेमोन मास्टर बनूंगा। पोकेमोन मास्टर, यही होगा मेरा नया नाम। पर कल मेरी जिंदगी में पोकेमोन का सफर शुरू होगा, मैं सो नहीं सकता। अगर तुम सो नहीं सकते तो कम से कम कल के लिए तैयारी करो। ये लो, देखो इसे। गुड इवनिंग पैलेट वासियों, पोकेमोन के नए बैच के स्टूडेंट्स के लिए कल एक बड़ा दिन है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा बल्बसॉर, चार्मेंडर और स्क्वाटल। ये सब नए ट्रेनी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। आप इसमें से कौन सा लेना? खत्म हो जाए तो सो जाना। ठीक है मॉम, सो जाऊंगा। और सोने से पहले कपड़े बदलना है तुम्हें। और उसके स्पेशल मैं जा रहा हूँ। पोकेमोन, मैं तुम्हें चुनता हूँ। हाँ, तुम जाओ बल्बसौर, तुम आसानी से सामने वाले पोकेमोन को हरा दोगे। मैं तुम्हें चुनता हूँ बल्बसौर। तुम जाओ स्क्वाटल। मैं तुम्हें चुनता हूँ स्क्वाटल। इन्हें चुनोगे तो ही जीतोगे। एक मिनट रुको। चार्मेंडर, तुमका कहना है अगर शुरू में ये मिल जाए तो सफर अच्छा रहेगा। मैं चुनता हूँ तुम्हें चार्मेंडर। ओह नहीं, मैं तो लेट हो गया। छोड़ो वापस आओ। चार्मेंडर, एनीवन्स फाइन, जस्ट प्लीज सेव वन फॉर मी। गैरी? गैरी नहीं, गैरी सर कहो। वक्त की कीमत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ऐश, पता भी है आसपास क्या चल रहा है? मुझे पोकेमोन मिल गया और तुम्हें नहीं। तुम्हें अपना पहला पोकेमोन मिला? बिल्कुल सही सुना तुमने, और वो इस पोकेबॉल के अंदर है। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, मैं एक दिन पोकेमोन मास्टर बन के दिखाऊंगा और हमारे पैलेट शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। एक बात पूछूं? हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किस तरह का पोकेमोन मिला है? तुम जानकर क्या करोगे? हाँ, अगर वक्त पर आते तो देखने को मिलता। मुझे प्रोफेसर ने सबसे बेस्ट पोकेमोन दिया है। वैसे तुम चाहो तो मुझे अपना गुरु मान सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप सब ने यहाँ आकर मुझे चीयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गैरी ओक जा रहा हूँ पोकेमोन को ट्रेन करने के लिए। तुम्हें दिखा दूंगा। अच्छा, तो आखिरकार तुम आ ही गए। प्रोफेसर ओक, मेरा पोकेमोन कहाँ है? तुम्हारा पोकेमोन? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम्हें देखकर लगता है तुम अभी नींद में हो। पोकेमोन को ट्रेन कैसे करोगे? पैजामा पहनकर तो ट्रेन नहीं कर सकते ना। वो क्या है प्रोफेसर, मेरी सुबह आँख लग गई और मैं थोड़ा लेट उठा, पर विश्वास कीजिए मैं पोकेमोन को ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे डिसीजन लेने में वक्त लगा, पर फाइनली मैंने डिसाइड किया है मैं चुनूंगा स्क्वाटल को। वक्त पर आने वाले लड़के ने उसे पहले ही ले लिया। काश मैं वक्त पर उठा होता। पर अब मैं चुनता हूँ अपना पोकेमोन जो है बल्बसॉर। वो भी जा चुका है, उसे भी वक्त पर आने वाले ने ले लिया। खैर कोई बात नहीं प्रोफेसर, क्योंकि मेरा पोकेमोन होगा चार्मेंडर। समय पर आने वाला सब कुछ पाता है, अगर तुम वक्त पर आते तो तुम्हें भी सब कुछ मिलता। क्या इसका मतलब अब एक भी पोकेमोन नहीं बचा है प्रोफेसर? हाँ नहीं, एक बचा है पर प्रोफेसर मुझे वो चलेगा। मुझे तुम्हें पहले ही चौकन्ना करना होगा, इस पोकेमोन में एक प्रॉब्लम है। मुझे हर हाल में पोकेमोन चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ये लो। इसका
का नाम पिकाचू है। ओह, ये कितना क्यूट है, बल्कि ये सबसे बेस्ट है। तुम्हें पसंद आया? ओह, हाय पिकाचू। इसे इलेक्ट्रिक माउस भी कहते हैं। ये शर्मीला है, पर कभी कभी इसमें बिजली जैसी पावर आ जाती है। बड़ी शॉकिंग बात है। हाँ, वाकई शॉकिंग है। अब तुम इसे संभालो, तुम्हारा पोके पैड और पोके बॉक्स। थैंक यू। मॉम, ओह एश, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुम आखिरकार अपना सपना पूरा करने जा रहे हो, अपनी पोकेमॉन ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी मेरे बच्चे। साफ सुथरी टी शर्ट, पजामा, तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स और कुछ हॉट चॉकलेट जो तुम्हें पसंद है। और लॉन्ड्री करते वक्त तुम अपना हाथ न जला लो इसके रबर ग्लास और ये रस्सी कपड़े सुखाने के लिए। और मैं कुछ भूली। मॉम, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, वो भी इन सब के सामने। प्लीज समझिए, अब मैं बच्चा नहीं रहा। पोकेमॉन ट्रेनर्स खुद का ख्याल रख सकते हैं। वो तो है। तो ये तुम्हारा पोकेमॉन है? यही है मेरा पोकेमॉन। पिकाचू मेरे साथ हो तो मैं सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। मॉम, मुझे लगा था कि सारे पोकेमॉन उनकी पोकेबॉल्स में रहते हैं, तो ये क्यों नहीं रहता? ओ, हाँ, सही कहा। पिकाचू, पोकेबॉल में जाओ। अजीब? शॉक से बचने के लिए रबर ग्लोव का इस्तेमाल करो। रबर इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करती है। अपने पजामा बदलना मत भूलना। हर एक दिन ठीक है। पिकाचू, क्या तुम पूरे रास्ते ऐसे ही रहोगे? तुम मुझे पसंद नहीं करते पिकाचू, पर मुझे तुम बहुत पसंद हो। और क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुंह खोलकर साफ साफ बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है? मुंह खोलने से मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे क्या तुम सिर्फ अपना नाम बोलते हो? तो फिर तुम भी बाकी सारे पोकेमॉन जैसे ही हो, और तुम्हें उनकी तरह ही बिहेव करना चाहिए और इस पोकेबॉल के अंदर जाना चाहिए। पोके टैग भी यही कहता है। सुना तुमने? ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ और इन्हें अपने हाथों से निकाल देता हूँ। क्या अब तो खुश हो? अब भी कोई कमी है? क्या बात है, ये हमारा लकी दिन है। पिकाचू, जाओ उसे पकड़ो। क्या तुम कभी मेरी बात नहीं मानोगे? पर क्यों नहीं? ठीक है, अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं उसे खुद पकड़ लूंगा, देख लेना तुम। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं दुनिया के सारे पोकेमॉन को पकड़ कर रहूंगा। अब मैं जल्द ही पोकेमॉन मास्टर के पहले पड़ाव को पार करने जा रहा हूँ। अब तुम ज्यादा देर आजाद नहीं रह सकते पिजी, क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। पोकेबॉल गो! मैंने पकड़ लिया। नहीं पकड़ पाया। पोकेमॉन को पकड़ने के लिए तुम्हें दरअसल खुद के पोकेमॉन को दूसरे से लड़ाना होगा। बहुत जल्दी बताया, पर मुझे तो सब
अकेले करना होगा। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। शांत रहो, डरने की जरूरत नहीं है। हेलो नन्हे दोस्त। जंगल नहीं है, ये खुला मैदान है। खुले मैदान में भी आते हैं ना समझ मुताबिक से खाना चुराने के लिए। तुम्हारा मतलब कि मैं ना समझ हूँ? इस बार तो तुम्हें पकड़ ही लूंगा। क्या हमें भागना चाहिए?
इसके अंदर जाओ। मैं जानता हूँ तुम इसके अंदर जाने से डरते हो, पर अगर तुम अंदर गए तो शायद मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। प्लीज पिकाचू, प्लीज मेरी बात सुनो और अंदर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। शुरुआत है ऐश और पिकाचू के कमाल के सफर की। उनके सफर में आप देखेंगे नॉनस्टॉप एक्शन, धमाकेदार हंसी, दिल बहलाने वाली मजेदार कहानियों की, कभी ना खत्म होने वाले रोमांच की। वो साथ मिलकर मिलेंगे कमाल के दोस्तों से, खतरनाक दुश्मनों से, और मिलेंगे ऐसे जीव और जंतुओं से जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जैसे जैसे उनकी कहानी आगे बढ़ेगी, हम बताएंगे आपको इस जादुई और इस जगह के कमाल के नजारों के बारे में। पोकेमॉन की अविश्वसनीय दुनिया।